चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। यमुनानगर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में है जांच टीम। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने है। आपको बता दें कि एंटी नारकोटिक सेल टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी कुलदीप के कब्जे से 704 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तलाशी के दौरान ये कामयाबी हासिल की। बड़ी और अहम जानकारी, नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन यहाँ पर लिया गया। एंटी नारकोटिक सेल टीम ने की है कार्रवाई। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने जांच के दौरान ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि तलाशी ली जा रही थी जिसके दौरान ये कामयाबी हाथ लगी है। नशा तस्करों के खिलाफ यमुनानगर में एक्शन लिया गया। प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा बरामद हुआ है। एंटी नारकोटिक सेल टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी कुलदीप के कब्जे से 704 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस शख्स को पकड़ा गया है। नशा का कारोबार ये शख्स करता था। कि कुलदीप वासी सढ़ोरा जो काफी समय से प्रतिबंधित दवाइयों का कारोबार कर रहा है और आज वो लेकर आ रहा है, जो इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला करके इसकी तलाशी ली गई, जिसकी तलाशी से 704 नशीले कैप्सूल प्रतिबंधित दवाइयां मिली। इस मामले में हुई है ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तलाशी के दौरान ये कामयाबी हाथ उनके लगी है। 704 नशे के कैप्सूल बरामद हुए हैं। प्रतिबंधित नशीले दवाओं का जखीरा बरामद हुआ है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने ये कामयाबी हासिल की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तलाशी के दौरान कैप्सूल बरामद किए हैं। बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से है। नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में नारकोटिक्स सेल और एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने ये कार्रवाई की है। आरोपी कुलदीप से 704 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तलाशी के दौरान ये कैप्सूल बरामद किए हैं।